प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले बच्चे, आज का लेक्चर जो फटाफट एकदम बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, जबरदस्त तरीके से तो फोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे आज जो टॉपिक करने वाले हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे। तो हम लोग बहुत फुल जोश एंड फुल होश के साथ पढ़ने वाले हैं, मतलब हम जोश के साथ पढ़ेंगे बेटा, हम जो एनर्जी के साथ तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है एकदम दिमाग लगा के बुद्धि के साथ भी तो पढ़ेंगे, तभी तो चीजें दिमाग के अंदर जाएगी। तो बेटा हम लोग जबरदस्त तरीके से ये लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे बच्चे, हम जो है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन था उसकी फैमिली थी उसके बारे में स्टडी किए हुए थे कि आखिर भैया नाइट्रोजन कैसे बिहेव करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इन जनरल जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे उसके बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर भैया मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया कि भाई हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन फैमिली की वो कैसे देखी जाती है, और भैया उसके अंदर ये रिजल्ट आया था, ये जो हमारा उत्तर आया था कि भैया +5, +3 और -3 तक हमारा क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली की रेंज होती है, लेकिन मेनली भैया 3 हमको देखने को मिलता है, +5, +3 और -3 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। तो ये चीजें हम जो है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़े हुए हैं। अब मेरे बच्चे, इससे आपको जो है ये जो पूरा चैप्टर है उसको समझने में थोड़ा क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि अगर जो बच्चा वो पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा होगा बच्चा, वो क्या कर सकता है यहाँ पे थोड़ा अपना कंसंट्रेशन खो सकता है, अपना कंसंट्रेशन खो सकता है, थोड़ा बिखर सकता है, थोड़ा फैल सकता है बेटा, वो समझ में आया। तो भैया वो वाला जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, या फिर बच्चे मैं उसको जो है एक ही वीडियो में कर सकता हूँ, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं उसको अलग अलग वीडियो में कर लेते हैं, क्या बच्चा अलग अलग वीडियो कर लेते हैं, ये वीडियो बहुत ही नए तरीके नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए बच्चों फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते आते मेरे बच्चे अपन ने क्या बात किया हुआ था कि नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, क्या बेटा नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, वो 3 तरीके से बात कर रहे होते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है हमारा क्या होता है डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, क्या डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन। दूसरा जो प्रोसेस होता है बेटा वो क्या होता है हैबर विधि होती है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। और सेम मेरे बच्चे मैंने आपको बोला हुआ है कि डाइनाइट्रोजन मतलब N2 बनाने की प्रोसेस जो हम लोग नहीं करने वाले, क्या बच्चा हम लोग नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले सर, ऐसा क्या इसके दौरान भौकाले जी को आप नहीं करा रहे बेटा, ये पूछा नहीं गया है, क्या नहीं किया गया, पूछा नहीं गया, तो पूछा नहीं गया तो यहाँ पे अपना टाइम नहीं लगाएंगे, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ आ गया। तो भैया डाइनाइट्रोजन अपन नहीं करने वाले, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा गया है, तो बच्चा हम इसको पढ़ के अभी अपना टाइम जाया इसके ऊपर नहीं करेंगे, एकदम सिंपल। अब देखो बेटा यहाँ पे अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है ना, इसको तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या कर रहे हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है बेटा, कुछ भी नया नहीं है, ये इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 10वीं में जब थे ना तो बेटा इसको पढ़े हुए हो, अभी कराऊंगा आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है, अभी कराऊंगा अभी सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे हैबर विधि अपन बात कर लिए, अमोनिया बनाने की हैबर विधि, और जो दूसरा प्रोसेस होगा बेटा नाइट्रिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस होता है जिसको हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं या फिर ओस्टवाल्ड विधि बोल रहे हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और सिर्फ 2 प्रोसेस ही बेटे यहाँ पे पूछा जाता है, और ओजोन के केस में ओजोन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, हैबर विधि के बारे में पढ़ेंगे और जो है ओस्टवाल्ड विधि के बारे में पढ़ रहे होंगे, क्लियर है सारे बच्चों को। तो चलिए बच्चों फटाफट जो हैबर विधि के ऊपर आते हैं, देखो भैया, ठीक है, हैबर विधि को भैया आखिरकार किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर पूछा था, तो बेटा ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के अंदर, ठीक है, बीए केबीसी का हमारा क्या है एक सवाल है। देखो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि की निम्न बिंदुओं के वर्णन कीजिए, कौन-कौन से पॉइंट दे दिए बच्चा, देखो सिद्धांत व समीकरण लिख दीजिए, बिल्कुल बच्चा हम तो समीकरण लिखेंगे, इसीलिए तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, समीकरण लिखना है बेटा हमको, क्या करना है समीकरण लिखना है, और समीकरण जबरदस्त तरीके से लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा भाई मजा आएगा देखना भी, ठीक है। देखो सिद्धांत और समीकरण की बात कर दी, और बच्चे यहाँ पे अब चित्र का बात कर, मैं तो चित्र बना दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 उपयोग के बारे में बात की, तो ये किस इसी तरीके से कोई भैया इसी तरीके से एग्जाम्स के अंदर भैया पूछा जाता है क्वेश्चन अमोनिया बनाने की हैबर विधि की, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे हम बात करें कि पूरा का पूरा जो अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसको ओवरऑल बच्चे मैं बात करूँ तो सारी चीजें यहाँ पे अपन को पढ़नी पड़ेगी, ये तो बात कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए बच्चा फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, ठीक है, फटाफट बच्चे हम जो है अपना ये लेक्चर जो फटाफट जो है गतिमान अवस्था में लेके आते हैं, मतलब जल्दी से जो फोड़ा फाड़ी मचाते हैं। देखो बच्चा क्या था, अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि थी, इस विधि के अंदर अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, तो यहां पे मेरे को क्या चाहिए रहेगा, एक नाइट्रोजन चाहिए रहेगा, एक गैस नाइट्रोजन, एक जो हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही मिलके ना बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही मिलके, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप 1 के अंदर, ठीक है, स्टेप 1 के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके ही क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाता है NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं फटाफट देखो, बैलेंस कैसे कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3 लगा, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, N2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ से क्या मिला हमको, अमोनिया मिला। इस अमोनिया का फॉर्मेशन जो है इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री में, क्योंकि हमको पता है कि हैबर विधि क्या है। हैबर विधि ये तो हमारे व्यापारिक भी है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इसको इंडस्ट्री बस लिख देता हूँ मैं, चलो लिखो, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि भैया ये तो भैया अपन को क्या है इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है सिर्फ और सिर्फ व्यापार में, इंडस्ट्री में बेटा। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चे मैं एक बात बताऊँ बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, सारी चीज़ यहाँ पे समझते रहना, देखो फटाफट। अगर बच्चे मैं क्या करूँ यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इस प्रकार से कंपोनेंट लूँ, नाइट्रोजन का 1 मोल और हमारा हाइड्रोजन का 3 मोल जो है क्या लूँ, एक कंपोजिशन लूँ, उसके बाद में जब इसका फॉर्मेशन करता तो मेरे को क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है, NH3 का 2 मोल मिल रहा होता है, 2 मोल मिल रहा था ना बेटा, 2 मोल यहाँ पे मिल रहा होता है। देखो बच्चे जब ये प्रोसेस होता है ना, जब अमोनिया जब बनती है तो यहाँ पे क्या होता है, उष्मा होता है, क्या होता है बेटा, उष्मा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऊर्जा निकल रही होती है, यहाँ पे बेटा ऊर्जा निकल रही होती है, और जहाँ पे मेरे बच्चे ऊर्जा निकलती है वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा उष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है, क्या बेटा, उष्माक्षेपी प्रक्रिया कहला रही होती है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये प्रोसेस क्या होगी हमारी, उष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। अगर उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो रही बच्चे तो यहां से एनर्जी निकलेगी, जब एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी कितनी निकल रही है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो फटाफट क्या हुआ, उष्मा जब निकल रही है, एनर्जी जब निकल रही है तो कितनी एनर्जी निकल रही है, तो बच्चा वो क्या होता है, डेल एच इज इक्वल टू -24 किलो कैलोरी निकल रहा होता है, क्या बेटा, -24 किलो कैलोरी निकल रहा होता है। तो इतनी ऊर्जा निकलती है ये अमोनिया बनाने के प्रोसेस के अंदर, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया, ठीक है। अगर जिन बच्चों को समझ में आया होगा जबरदस्त तरीके से बेटा, वो क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी भैया हमको मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है भैया, कमेंट कर देना, और क्या करना बेटा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, N2 और NH2 का फॉर्मेशन होंगे, NH3 का फॉर्मेशन कर दिया, अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया मैंने। अब बच्चे यहाँ पे उष्मा भी निकली, उष्माक्षेपी प्रक्रिया जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे मैं एनर्जी के बारे में बात की, कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ये हमारी एनर्जी कितनी एनर्जी निकल रही है अपन बात कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ये तो प्रक्रिया पहली स्टेप हो गई, ठीक है, पहली स्टेप हो गई। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अति भयंकर भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट बेटा, टॉपिक के पॉइंट के ऊपर बात, टॉपिक नहीं पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वो क्या होता है, जब ये प्रक्रिया होती है तो उष्मा निकलती है, जब उष्मा निकल रही है बेटा तो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है, यहाँ पे देखना होगा, क्या देखना होगा सर, देखो यहाँ पे कितना मोल है बेटा, इस अभिकारक की साइड पे कितना मोल है, इस अभिकारक की साइड में N2 और जो है S3 के पास में कितना मोल है, कितना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, कितना मोल है बेटा, यहाँ पे 4 मोल हुआ कि नहीं हुआ, 4 मोल हुआ। लेकिन इस साइड पे उत्पाद की साइड पे देखता हूँ, उत्पाद के साइड पे देखता हूँ, तो वहां पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 मोल है, 2 मोल है, क्या बेटा, यहाँ पे सिर्फ मेरे को क्या इतना मोल मिला, 2 ही मोल मिला, एकदम क्लियर है सारे बच्चों को। जब 2 मोल मिला बेटा तो यहाँ पे अपन को क्या देखना होगा, कि जब 2 मोल मिला है तो यहाँ पे जो हमारा मास कंजर्वेशन का जो लॉ होता है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है, वो तो फॉलो हो नहीं रहा, वो फॉलो हो रहा है क्या, नहीं फॉलो हो रहा, कैसे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि भैया एक साइड जो अभिकारक है वहां पे मेरे को 4 निकली, क्या बेटा, 4 जो है मेरे को मोल थे, लेकिन इस साइड उत्पाद की साइड में 2 मोल थे, तो वो प्रोसेस में क्या होगा, ये हमारा जो अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा। तो भैया इसको जो है अच्छे तरीके से करने के लिए बेटा हमको जो है कुछ कंडीशंस जो है फॉलो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे बात करूँ हमारा कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमको फॉलो करनी पड़ेगी। वो पहला जो कंडीशन होता है बेटा वो क्या होता है, टेम्परेचर, क्या बच्चा, टेम्परेचर, ठीक है, वो हो जाता है टेम्परेचर मतलब ताप बेटा, ठीक है, ताप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ताप को हमको कुछ देखना पड़ेगा। अब बच्चे हमारे पास ताप के बारे में बात करूँ, या फिर हम कर सकते हैं ताप बढ़ा सकते हैं या फिर ताप घटा सकते हैं, सिंपल इतना सी फंडा है, ठीक है। अब जब मैं ताप जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज करूंगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो तब के केसेस में कैसे चीजें होती है, और ताप में जब बढ़ा कम कर दूंगा तब के केसेस में क्या होती है, वही हम एनालिसिस करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा जो है बच्चा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन करना, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे बात करता हूँ कि ताप के बारे में बात करूँ, जब ये हम ताप के बाद में करते हैं या फिर ताप की बात करते हैं, तो वहां पे जब आप लोगों ने जो है कक्षा 11वीं में होगा, तब अगर भैया नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं वापस से बताता हूँ, वहां पे आप लोगों ने जो है ली सातिल्य का सिद्धांत पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बच्चा, ली सातिल्य का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो इसको फटाफट थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, जिससे हमको जो है लिखने में थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। देखो बच्चा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ली सातिल्य का सिद्धांत पढ़ा हुआ था, ली, ठीक है, सातिल्य, ली सातिल्य का
सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ली सातेलिए का सिद्धांत जो है आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा होगा, तो बेटा हम इसको जो समझना बहुत ज्यादा इजी है। ये क्या बोलता है ली सातेलिए सिद्धांत, क्या बोलता है अपन को कि भैया जो आपकी अभिक्रिया होती है ना, जो आपकी अभिक्रिया होती है उसका ये अपोज करता है। सिंपल बात, अगर आपकी अभिक्रिया में, अगर आपकी अभिक्रिया बेटा उसमें ऊर्जा निकल रही है, तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब जो भी अभिक्रिया होगी उसका ये अपोज करता है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा, ली सातेलिए का सिद्धांत होता है। मतलब कि क्या, ये समझ नहीं आया सर? अगर बेटा मैं आप करूं बात करूं कि अगर जो यहां पे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं इस प्रक्रिया में, अगर तापमान बढ़ा दूं, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो है प्रक्रिया अर्ध जो सामने की होगी या पश्च होगी, अग्र होगी या पश्च होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बेटा? देखो ध्यान से, जब ये जो यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर ये प्रोसेस के अंदर मैं तापमान बढ़ा देता हूँ, तो मेरे को ये बता दो बच्चे कि यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी ये अग्र दिशा में होगी कि पश्च दिशा में होगी, अभिकारक से उत्पाद बनेगा या फिर उत्पाद से हमारा अभिकारक बन रहा होगा, ये इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है बेटा यहाँ पे ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार, हमारा जो तापमान होता है, ठीक है, हमारा जो तापमान होता है बेटा, तापमान, ठीक है, हम जो है तापमान इस प्रोसेस के अंदर क्या रखते हैं, निम्न रखते हैं। क्या बच्चा? हम प्रोसेस के अंदर पूरा निम्न रखते हैं, निम्न तापमान। अब निम्न तापमान तो रखते हैं बेटा, लेकिन वो कितना रहता है, वो तापमान रहता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 700 डिग्री केल्विन, इतना हमारा पानी क्या होता है तापमान रहता है। क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ बच्चा, ये क्या होता है 700 डिग्री केल्विन नहीं बेटा, ये क्या होता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से होता है। अब बच्चे ये तो हुआ हमारा तापमान का फंडा। अब जब मैं दाब की बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे दाब के बारे में बात करूँ, तो दाब क्या होता है, एक तो हम ताप को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, लेकिन दाब मैं जब बढ़ाऊंगा बेटा, दाब बढ़ाऊंगा, ठीक है, उच्च दाब पर, ठीक है, जब मैं दाब बढ़ाऊंगा तो ये प्रोसेस होने लगता है। अब इसके फंडे का समझो, ठीक है, ये जो हमारा हम जो निम्न ताप बोले हैं, उच्च दाब बोले, तो इसके फंडे को समझो, ध्यान से समझना बेटा, मैं इसको जो है ये समझना आ गया बेटा, अगर ये टॉपिक ये कंसेप्ट जो है समझना, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे आपकी जो है प्रक्रिया अच्छे से आप लोग लिख पाओगे एग्जाम्स के अंदर। अब देखो, तापमान की मैंने बात कर दी बच्चे, तापमान हमको निम्न किस केसेस पे करता है? देखो बच्चे, जब मैं ये इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाने की विधि के अंदर तापमान में मैं जब कमी करता हूँ, तापमान में कमी करता हूं, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो अग्र दिशा में होती है। क्या बच्चा? अग्र दिशा में, सामने की ओर होती है। मतलब कि भैया सिंपल सी बात, जब मैं कम टेम्परेचर रखता हूं, तो यहां से मेरे को हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से मेरे को क्या मिलेगा बेटा, यहां से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब भैया मैं इसको जो है निम्न ताप को मैं उच्च कर देता हूं, मतलब कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, मतलब ये नहीं है कि बेटा यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में हमको 700 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। क्या बच्चे? मैंने 700 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। अगर इससे एक डिग्री सेंटीग्रेड भी मैंने ज्यादा कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमको जो उत्पाद है वो नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया ना संक्रियण ऊर्जा, कैसा होता है संक्रियण ऊर्जा? देखो यहाँ पे उत्पाद रहता है इतना भैया, ये इसका क्या होता है संक्रियण ऊर्जा, इससे अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई, ठीक है, ई ए जिसको हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट, इससे अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो हमारा जो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, इतना ही हमको देना पड़ेगा, इससे कम में भी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमको 700 डिग्री सेंटीग्रेड देना ही पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस क्या हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो बच्चे मैं यह बोल रहा था कि भाई हमारा जो है तापमान है, तापमान निम्न किस पे, निम्न होता है तब वो अग्र दिशा की ओर होती है। जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा कर दूंगा मैं, तो ये तो पश्च दिशा में होने लग जाएगी। मतलब ये जो अमोनिया से हमको जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलना रही, तो हमारे लिए घाटा का सौदा हो गया, ये तो हमारे लिए घाटा का सौदा। हमको तो अमोनिया चाहिए, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थोड़ी ना चाहिए, नहीं चाहिए ना बच्चा, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उच्च, सॉरी, हम इसको करेंगे बेटा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराएंगे, तो बच्चे ये अग्र दिशा में होगी, जिसके लिए हमको जो है हमारा जो टेम्परेचर है बच्चा, वो क्या करना पड़ेगा, कम करके रखना पड़ेगा, निम्न रखना पड़ेगा, और कितना, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे जो दाब की बात करूं, तो दाब मैं बढ़ाऊंगा तो दाब प्रेशर बनता है, दाब को अगर मैं उच्च करता हूं तो वो क्या होता है अग्र दिशा में ही होती है, जब उसका दाब को मैं कम कर दूंगा बच्चे, तो वो क्या करेगा, इसकी जो है पश्च दिशा में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, उच्च जो है दाब रखेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अगर समझ में आया बेटा तो वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को, ठीक है, मजा आएगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने बात की पूरा का प्रोसीजर। अब बच्चे मैं बात करता हूँ कि आखिर इसका चित्र के तौर पर, ठीक है, इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, आखिर लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि बच्चे देखो, ध्यान से देखो, ये सारे प्रोसीजर मैंने आपको तो यहाँ पे बता दिया ना, ये सारी चीजें पड़ा पड़ा पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए आप, तो देखो ध्यान से, ये हमारा क्या था, सचित्र बने, पहला टॉपिक क्या था हमारा, समीकरण था। अब बच्चे ये जो है दूसरा जो होने वाला है, ये क्या होने वाला है हमारा, सचित्र वर्णन। देखो यहाँ पे सचित्र वर्णन जब करते हैं तो बेटा देखो ध्यान से, अपन जब यहाँ से क्या डाले बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन नाइट्रोजन यूज किए, नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन गैस का फ्लो किया, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का फ्लो किया। जब गैस का फ्लो कर दिए बेटा, तो यहाँ से जब ये जो है पाइप के थ्रू बेटा ये आगे बढ़ा, इस तरीके से ये आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले बेटा ये क्या होता है, संपीड़क में आता है। क्या बेटा, संपीड़क, कंप्रेसर का मतलब होता है संपीड़क, संपीड़क में आ रहा होता है बेटा ये क्या करेगा, संपीड़क में। अब संपीड़क आने के बाद बेटा इसका जो फ्लो होगा, वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब इस तरीके से बेटा ये आगे बढ़ रहा है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है वो आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है बेटा। इसके लिए ये कहता है कैटलिस्ट चैम्बर, या फिर बोल सकते हैं प्यूरीफायर एंड ड्रायर चेंजर पे आते हैं। मतलब भैया यहाँ पे आते आते जो हमारा नाइट्रोजन है, हमारा नाइट्रोजन प्लस क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैसेस जो होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। क्या बेटा, ड्राई हो जाती है, जिससे क्या होता है, ड्राई हो जाती है। और यहाँ पे बच्चे एक हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट चैम्बर भी होता है, उत्प्रेरक स्तंभ भी होता है। क्या बेटा, उत्प्रेरक स्तंभ भी होता है। इस उत्प्रेरक स्तंभ में हम लोग जो है आयरन के फिर फेरस के बेटा क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के यूज करते हैं, जिसके Al2O3 Fe2O3 या फिर K2O का यूज कर रहे होते हैं, आयरन के ऑक्साइड्स के यूज कर रहे होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में बात चल रही है भैया, ठीक है। ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है ना बेटा, Fe या फिर मॉलिब्लेडनम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। मॉलिब्लेडनम, Fe जो हमारा कैटलिस्ट होता है, और मॉली जो ब्लेडनम होता है बेटा, MO जो होता है ना, ये हमारा जो है उसका वर्धनांक होता है, वर्धनांक मतलब उसको बढ़ाने की तकिया रखता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चे यहाँ पे बात कर दिए कि भैया हमारा N2H2+NH2 हमको इस प्रकार से मिलेगा, इस कैटलिस्ट के ऊपर जब जाएंगे तो हमको ये पूरा प्रोसीजर देखने को मिलेगा। अब बच्चा जब यहाँ से मेरे को क्या मिला, हमको ये प्रोसेस देखने को मिला, कौन सा प्रोसेस, H2+N2, इसके साथ मेरे को क्या मिला, NH3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कैसे क्या करेंगे, ये सिंपल सी बात है, ये बैलेंस कर दिया अपन। जब ये हमको अमोनिया मिलेगा, तो इस अमोनिया को अपन क्या करेंगे, संपीड़क पाइप में लेके जाएंगे बेटा, क्या लेंगे, संपीड़क पाइप में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो गैसेस बनी है, यहाँ से जो गैसेस बनी है अमोनिया की, वो गैस को एक संपीड़क पाइप बेटा, ये देखो संपीड़क पाइप कैसा, ऐसा क्रिस क्रॉस फॉर्मेट पर रहता है संपीड़क पाइप, इस संपीड़क पाइप से ऐसे लेके जाएंगे। तो संपीड़क पाइप से लेके जाने पर जो अमोनिया गैस है वो क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी बेटा। यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो ये हमारा क्या होने वाला है, लिक्विड अमोनिया होने वाला है, यही हमारा होने वाला है। और बच्चे यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जब प्रोसेस पूरा का पूरा होता है तो बेटा हमको जो है अमोनिया, ठीक है, हमको जो है अमोनिया तो मिलती है, हमारा अमोनिया क्या बेटा, ये तो उत्पाद है, लेकिन ये अरिएक्टेंट भैया, जब ये अभिक्रिया पूरी की पूरी जब होती है ना, तो यहाँ पे अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, क्योंकि ये यहाँ पे पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता। क्या बेटा, पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो है पूरा का पूरा उत्पाद में कन्वर्जन नहीं होता, तो कुछ उसके आंशिक पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, हमारे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बचे रह जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इस पार्टिकल को वापस हमको फिर से एक पाइप के थ्रू, या फिर बच्चे हम बोल सकते हैं एक जो है कंप्रेसर के थ्रू इसको वापस से लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भैया क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये गैसेस क्या होंगी, वापस से इस पाइप के थ्रू जो है कहाँ पे आएगी, कहाँ पे, इस रिएक्टेंट टैंक के अंदर आएगी, मतलब प्यूरीफायर ड्राइवर के अंदर आ जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये पूरा का प्रोसेस आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मक्खन हुआ होगा, ठीक है। चलिए बच्चा,
चलिए बच्चे, तो इसको जो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद इसका हम वापस से एक बार जो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाएंगे कि आखिर ये पूरा प्रोसेस आखिर कैसा होता है, वापस से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सारे बच्चे को? चलिए बच्चा देखते हैं फटाफट। देखो हमको क्या पूछा जाएगा बेटा एग्जाम्स के अंदर, अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है इसके बारे में पूछा जाएगा कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे बना जाता है, इसके बारे में बात की जाएगी। सिंपल सी बात है। अब बच्चे इसके अंदर क्या होता है, पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप या सबसे मैं प्राइम स्टेप की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया बनाने के लिए हमको जो है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की नीड होती है। तो वहां पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को जब हम रिएक्ट करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करेंगे बेटा, तो वहां पे क्या होता है हमको जो है अमोनिया गैसेस मिल जाती है, अमोनिया गैस जो है मिल जाती है। और वहां पे दो चीजें हमको फैक्टर याद रखना है बेटा, हमको जो है तापमान क्या करना पड़ेगा, निम्न रखना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर से, 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको रखना पड़ेगा। और जो प्रेशर की मैं बात करूं बेटा, दाब की बात करूं, तो वहां पे मेरे को जो है प्रेशर जो है हाई रखना पड़ेगा, जिससे ये अभिक्रिया जो है सिर्फ और सिर्फ अग्र दिशा में हो, सामने की ओर, और उससे हमको अमोनिया का फॉर्मेशन इजी तरीके से मिल पाए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बेटा, ये क्या होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, उसमें उष्मा जो है निकलती है, ठीक है, उष्मा निकलती है, सारी चीजें फंडे अपन को पता चल गया सर। अब बच्चे यहां पे मैं इसका प्रोसीजर के ऊपर बात करता हूं कि आखिर ये इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे हमको नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस चाहिए रहेगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इस पाइप के थ्रू मैं लेके आऊंगा। तो सबसे पहले बेटा ये क्या कहते हैं कंप्रेसर, मतलब कि संपीड़क के थ्रू जो है ऐसा नहीं गुजरेगा, संपीड़क से जब गुजरेगा बेटा तो क्या होगा, गुजरने के बाद जो ये क्या आएगा प्यूरीफायर एंड ड्राइवर टैंक के अंदर आता है, मतलब भैया हमको शोधन टैंक के अंदर आता है। शोधन टैंक के अंदर ये इसमें जो भी इंप्यूरिटी रहती है वो निकल जाएगी, नाइट्रोजन और गैस में जो भी इंप्यूरिटी रहेगी वो निकल जाएगी, क्योंकि हमको पता चाहिए कि हमको सिर्फ शुष्क अवस्था में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की नीड है, तभी बच्चा हमारा अमोनिया अच्छे तरीके से बन पाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, हमको शुष्क और शुद्ध हमको क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मेरे को मिलेगा इस ड्राइवर से, ठीक है। अब इस ड्राइवर से क्या होगा बेटा, जब ये गैसें निकलेगी, ड्राइवर से जब ये गैस निकलेगी तो ये गैस कहाँ जाएगी बेटा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस जो है इस जो है कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट चैम्बर, इसको क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसको उत्प्रेरक जो है टैंक की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं उत्प्रेरक प्रेजेंट होते हैं। किसके उत्प्रेरक बेटा, आयरन के ऑक्साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब जब देखिए बेटा यहाँ से क्या होगा, जब हमारे जो है गैसेज जो है फ्लो होगी उत्प्रेरक टैंक से, तो उत्प्रेरक टैंक में जब जाएगा तो बेटा हमारा जो अमोनिया गैस का निर्माण होगा, और अमोनिया गैस का जब निर्माण होता है बेटा वहाँ पे, तो हमारा अमोनिया तो मिलता है और साथ ही साथ जो बचे हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होते हैं उनका भी यहाँ से निकासी होता है, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के पश्चात बच्चे ये क्या होता है, संपीड़क जो है पाइप के थ्रू जुड़ जाते हैं, मतलब संपीड़क, इसको बोलते हैं बेटा संपीड़क पाइप, ठीक है, संपीड़क पाइप के थ्रू गुजरते हैं, संपीड़क पाइप के थ्रू जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो गैस होती है अमोनिया की जो गैस होती है वो क्या होती है लिक्विड में बदल जाती है। लिक्विड में बदलने के पश्चात बेटा इसको हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं, और जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है इसको वापस से क्या करते हैं पाइप के द्वारा हम जो है पंप के द्वारा इसको जो है अच्छे से प्रेस करते हैं, और फिर वापस से ये ड्रायर में चला जाता है, जिससे इसका रीयूज हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा बच्चे हमारा हैबर का विधि काम करता है। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया सारे बच्चों? अगर समझ में आया बेटा तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को क्या करेंगे अपने दोस्तों तक फैला देंगे, शेयर कर देंगे बेटा, और क्या करेंगे लाइक करेंगे। क्लियर सारे बच्चों को? और जो बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जाके बेशक बच्चा कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चा।